हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इथवर्स के बारे में। ETHV जिसका टोकन टिकर है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा कि ये प्रोजेक्ट क्या करता है और किस स्पेस में ऑपरेट करता है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हो तो आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि NFT स्पेस काफ़ी हॉट होगा आने वाले टाइम में। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे NFT जो एसेट्स होगा वो इंटीग्रेटेड होगा विद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कपल्ड विद डीफाई, जहाँ पे जैसे आज के डेट में हम लोग टोकन्स कोलेटरलाइज करते हैं, वैसे ही हम बहुत सारे NFT एसेट्स लाइक लैंड और इन गेम आइटम्स को हम कोलेटरलाइज कर सकते हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर वो काफ़ी ब्राइट है। और अभी मैं बहुत सारे स्टैट्स भी देख रहा था NFTs के बारे में। एक सुपर रेयर डॉट कॉम है, अगर आप वहाँ पर जाओगे, मैं ये सारे लिंक्स कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का। तो बहुत सारे रेयर आइटम्स जो हैं, कलेक्टेबल्स हैं, उनका प्राइस भी काफ़ी शूट किया है। मतलब लोगों ने 100x 1000x का रिटर्न कमाया है ऑन कलेक्टेबल्स और ऑन NFT आइटम्स। बहुत सारे NFT आइटम्स हैं, जैसे कि आप एक्सी इन्फिनिटी ले लो, अगेन वो एक गेम प्ले है, एक गेम वर्ल्ड है जिसके अंदर बहुत सारे इन गेम एसेट्स हैं, एक्सीज हैं, उनका भी प्राइस काफ़ी बढ़ता है। मैंने देखा है उसका एक मार्केट प्लेस भी है, मैंने आई थिंक निफ्टेक्स आई गेस मैंने ट्वीट भी किया था। तो इस तरह के जो भी वर्चुअल मार्केट प्लेसेस है, वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल गेम्स हैं, जो कि जहाँ पे बहुत सारे इन गेम्स NFT एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी। और ऑल डिपेंड करता है कि उस मार्केट प्लेस का, उस गेम वर्ल्ड में बोलूँगा, का एडॉप्शन और यूज़ केस कितना है। तो अगेन इथवर्स इसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है और फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको ये पहले ही मिल चुका होगा। ये मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था कि ट्रस्ट वॉलेट से आप कैसे जो है इथवर्स टोकन बाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इथवर्स मैंने बाई कर किया भी था, 45 सेंट का यहाँ पे रेट है और प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स ने इसमें एंट्री ली है। तो ये वीडियो, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट भी अगर आपके पास है तो यू कैन डाउनलोड ट्रस्ट वॉलेट एंड बाई इथवर्स टोकन थ्रू दैट। ये एक छोटा सा डेमो था, कोशिश करूंगा अगर ये भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाए, आई सी हाउ आई कैन ऐड। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरू और बात करते हैं इथवर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इथवर्स का जो टोकन है वो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, आई थिंक हफ्ता हुआ होगा, एक हफ्ता के आसपास, इससे ज्यादा नहीं है, एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, बट हमने रिसेंटली इसको लोड किया है अपने पोर्टफोलियो में। और ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो है प्राइवेट ग्रुप में मैंने डिस्कस किया है, क्या रेंज है बाइंग का, कितना एलोकेशन देना है, तो आई हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन प्राइवेट ग्रुप। मैं बस एक आपको इसका फंडामेंटल व्यू दे रहा हूँ कि ये क्या टोकन है और इसका क्या फ्यूचर है। किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये इथवर्स का एक छोटा सा वीडियो, ये क्या करता है, इसका क्या यूसेज है। सो बेसिकली ये जो टोकन है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये माइनक्राफ्ट को एज एन एप्लीकेशन लेयर यूज़ कर रहा है, यानी कि ये माइनक्राफ्ट के साथ कम्पीट नहीं कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि बड़ी बात है। और अगर आप माइनक्राफ्ट के बारे में जानते हो तो एक बहुत बड़ा गेम है ये माइनक्राफ्ट, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इसके और ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा पॉपुलर गेम है। हालांकि मैं बिल्कुल गेम नहीं खेलता तो आई हैव नो आइडिया, बट माइनक्राफ्ट आई नो कि एक बहुत बड़ा गेम है और मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और उसके ही गेमिंग इंजन को ये यूज़ कर रहा है एज एन एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स हैं उनके लिए एक फ्लड गेट ओपन हो सकता है एंड दे कैन यूज़ इथवर्स, यानी कि इथवर्स का इकोसिस्टम जो है वो बिल्ट होगा ऑन टॉप ऑफ माइनक्राफ्ट, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग क्योंकि आई एम नॉट अ गेमर, लेकिन इनका ये कहना है कि वो माइनक्राफ्ट के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और माइनक्राफ्ट को एज एन एप्लीकेशन लेयर यूज कर रहे हैं। यानी कि इससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगा माइनक्राफ्ट यूजर्स के लिए इस गेम को प्ले करना, इस
इस वर्ल्ड में एंटर करना, जो इथवर्स का ये वर्ल्ड होगा, इसके अंदर बहुत सारे एसेट्स होंगे इथवर्स के, जिसको आप बाय सेल कर सकते हो, कोलेटरलाइज कर सकते हो यूजिंग योर इथवर्स टोकन। तो ये इसका ऑल इन ऑल एक ग्लिम्प्स है कि इथवर्स क्या काम करता है, और ये जो है माइनक्राफ्ट के ऊपर बिल्ड इसको किया जा रहा है। यह है इथवर्स का लाइट पेपर। अभी भी इथवर्स लॉन्च नहीं हुआ है, ऑपरेशनल नहीं है, लाइव नहीं है। इथवर्स इज ए ब्लॉकचेन पावर्ड मेटावर्स बिल्ट ऑन द माइनक्राफ्ट गेमिंग इंजन। इथवर्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड दैट अलाउ यूजर्स टू कंट्रोल देयर एसेट्स एंड पार्टिसिपेट इन द क्रिप्टो इकोनॉमी विद इन द इथवर्स इकोसिस्टम। सो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, जैसे अपना डिसेंट्रलैंड है, माना जो टोकन है डिसेंट्रलैंड इकोनॉमी का, वैसे ही इथवर्स इकोसिस्टम का जो करेंसी होगा वो इथवर्स होगा, जैसे डिसेंट्रलैंड का माना है। इथवर्स इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम वेयर यूजर्स कैन monetize their skills and assets. Ethverse has built an in-game monetary and decentralized finance ecosystem. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस ecosystem के अंदर इन गेम्स बहुत सारे आइटम्स होंगे, लैंड्स भी होंगे। लैंड भी जो इस NFT लैंड है वो भी काफ़ी हॉट है। अगर आप Decentraland या इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म देखोगे तो वहाँ पे अगर आपको लैंड लेना है तो आई थिंक 30, 40, इवन मोर देन 100 इथीरियम का लैंड बिक रहा है, जो कि एक स्पेसिफिक गेम आइटम है। उस लैंड के अंदर बहुत सारे यूज केसेस होंगे। आई एम नॉट अ गेमर अगेन, तो मेरे को नहीं पता, बट इन लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, और आने वाले टाइम मेरे को लग रहा है ये स्पेस बहुत हॉट है। लैंड एसेट ओनरशिप। इथवर्स कंसिस्ट ऑफ लैंड पार्सल्स वेयर द यूजर कैन बिल्ड एनीथिंग दे कैन इमेजिन टू बिल्ड ऑन अ लैंड। तो अगेन इथवर्स इकोसिस्टम के अंदर लैंड होगा, लैंड का कुछ यूसेज होगा, आप लैंड बाय सेल भी कर सकते हो। आई थिंक जो टोकन यूज करना होगा वो ETHV है, यानी कि इथवर्स टोकन का भी यूज होगा। डीफाई बैंकिंग होगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। इथवर्स प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट मल्टीपल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सॉल्यूशंस एज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म। यूजर्स विल बी एबल टू कोलेटरलाइज एसेट लाइक लैंड एंड NFT टोकन टू बोरो इथवर्स टोकन और अदर डिजिटल एसेट्स अवेलेबल इन द पूल। तो इसका मतलब मैंने इनिशियली आपको बताया कि जो इथवर्स इकोसिस्टम के अंदर आप अपने NFT टोकन्स को कोलेटलाइज करके और इथवर्स टोकन ले सकते हो या अदर डिजिटल एसेट्स ले सकते हो। तो ये एक डीफाई बैंकिंग की तरह भी यूज़ होगा, और आने वाले टाइम में ऐसा होगा। आप देखोगे बहुत सारे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे डिसेंट्रलैंड है या और इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। एक OpenSea.com करके आई गेस वेबसाइट है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का। वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा NFT इकोसिस्टम में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या चल रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो भी बहुत ही पॉपुलर NFT आइटम्स होंगे आने वाले टाइम में, हो सकता है कि आप कंपाउंड पे, एफ पे, BZRX पे जाके उनको कोलेटरलाइज करके आप फंड भी ले सकते हो। तो इस तरह की वैल्यू जो है वो क्रिएट हो रही है इन गेम के अंदर, इन इकोसिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे डीफाई का प्ले है, बिल्डिंग ऑन इथवर्स। इथवर्स इज अ मल्टीवर्स विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज। यूजर कैन क्रिएट बिल्डिंग एंड आइटम्स फ्रॉम स्क्रैच। आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो, जैसे माइनक्राफ्ट के सर्वर्स होते हैं वैसे ही आई गेस यहाँ भी कुछ सिस्टम है। पेमेंट्स। यूजर विल बी एबल टू पे एनी वन ऑन इथवर्स इंस्टेंटली यूजिंग द इंटीग्रेटेड वॉलेट विद इन द गेम। गेम के अंदर वॉलेट होगा, आप वहाँ पे कर सकते हो आइटम्स जो भी आपको इन गेम्स आइटम्स परचेज करने होंगे। मार्केट प्लेस। इथवर्स मार्केट प्लेस इज अ प्लेस वेयर इथवर्स यूजर कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इन गेम एंड वेब बेस्ड अप्रोचेज आर बिंग कंसिडर्ड। अगेन वही चीज़ें हैं, ये देखो इन गेम्स NFT आइटम्स हैं, आप उसको बाई सेल कर सकते हो विद इन द इको सिस्टम। एक्सपेंशन। तो ये लाइट पेपर जो है वो मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप देखोगे इथवर्स आर्किटेक्चर, इन्होंने एक इन अ नटशेल एक समझाने की कोशिश करी है। इथवर्स जो है एक ब्लॉकचेन लेयर है, इज अ फाउंडेशन ऑफ इथवर्स एंड द इकोसिस्टम बिल्ड ऑन इट दिस कंटेंस। यानी कि ये इथवर्स एक आपका ब्लॉकचेन लेयर हो गया, इसके ऊपर जो चीज़ें हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, लैंड ओनरशिप है, कलेक्टिबल्स हैं, टोकन्स हैं, मार्केट प्लेस डैप है। यानी कि एक समझ लो ये प्लेटफॉर्म हो गया इथवर्स, उसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड करोगे, लैंड्स होंगे जो NFTs हैं, NFT कलेक्टिबल्स होंगे, और टोकन्स जो है वो इथवर्स टोकन होगा जो कि एज अ करेंसी यूज होगा इस इकोसिस्टम के अंदर। माइनक्राफ्ट गेमिंग इंजन इज बैटल टेस्टेड एंड हैज ऑलरेडी गेन पॉपुलैरिटी अमंग यूजर्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम। माइनक्राफ्ट प्रोवाइड्स ए स्टेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर मल्टीपल फीचर्स एंड यूज केसेस कैन बी बिल्ड। तो ये माइनक्राफ्ट से कंपीट नहीं कर रहे हैं, माइनक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, माइनक्राफ्ट को एज एन एप्लीकेशन लेयर यूज कर रहे हैं, जो कि एक गेट खोल देगा मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। अगर
अगर आप YouTube देखोगे तो माइनक्राफ्ट पे बहुत सारे यूट्यूबर्स माइनक्राफ्ट के गेम्स खेलते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं। मेरे को इसलिए पता है कि माई सन इज़ इन टू इट और ही प्लेज माइनक्राफ्ट एंड ही वॉचेज लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। तो उनके सब्सक्राइबर्स तो वो मिलियंस में हैं और वो लोग गेम खेलते हैं एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वॉच दोज गेम्स, वॉच देम प्लेइंग। तो अगर ऐसा कुछ ये इसको अगर इस तरीके से मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और इस तरह का प्रोडक्ट अगर बिल्ड करते हैं, तो समझ लो मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है वो इस गेम को, इथवर्स इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो टोकन है इसका आप देखोगे इसका यूसेज क्या है। वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ए फंक्शनिंग सोसाइटी इज़ द करेंसी। तो ये करेंसी की तरह यूज़ होगा पूरे इकोसिस्टम के अंदर। मैंने कई बार मेंशन कर दिया है पेमेंट के लिए, बाइंग एंड सेलिंग एनएफटीज, लैंड्स और इन गेम परचेसेस, एडिंग न्यू सिटी। इसके अंदर आप सिटी, आई थिंक जो माइनक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप आई थिंक सिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ भी वैसा ही कुछ है, लेकिन एक सिटी ऐड करने के लिए आपको इथवर्स का 1% सप्लाई आपके पास होना चाहिए, जो कि अगेन टोकन का यूसेज जो है वो बढ़ाता है। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था इस लाइट पेपर के अंदर, यानी कि अगर आपको सिटी ऐड करना है इथवर्स के ऊपर, तो यू नीड 1% ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ इथवर्स टोकन। जो टोटल सप्लाई है वो 40 मिलियन टोकन है इथवर्स का, और अभी जो है ऑलमोस्ट 8 मिलियन टोकन आ चुका है, और जो अदर्स टोकन है वो आई थिंक वेस्टेड है। जो टीम और फाउंडर फाउंडिंग मेंबर्स के हैं वो आप लोग चेक कर सकते हो। सारा इन्फॉर्मेशन इधर लाइट पेपर में आपको मिल जाएगा। ये डिफ्लेशनरी एसेट है, मैं इसी लाइट पेपर में कहीं पढ़ रहा था कि ये टोकन बर्न भी होगा ओवर द टाइम। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा, ये देखो यहाँ पे है द कॉस्ट 1% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ इथवर्स टोकन्स। दिस फीस विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कंसल्टेशन विद इन द कम्युनिटी, फैक्टरिंग इन द एडॉप्शन एंड टोकन प्राइस इन द फ्यूचर। अ पार्ट ऑफ द टोकन्स कलेक्टेड इन फीस विल बी बर्न एंड रिमूव फ्रॉम द सप्लाई। दिस विल मेक इथ वी सप्लाई डिफ्लेशनरी विद द ग्रोथ एंड अडॉप्शन ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि आपको सिटी अगर बिल्ड करना है तो यू नीड 1% ऑफ द टोटल सप्लाई। तो ये सारे यूसेज हैं, लाइट पेपर, वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है, माइनक्राफ्ट का इन्होंने यहाँ पे पिक्चर भी ऐड किया है, माइनक्राफ्ट के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, टोकन भी अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। अभी ये वाइट पेपर प्रोजेक्ट है, अभी हमें देखना है अगले आई थिंक 1 और 2 वीक्स में लॉन्च करेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉन्च के ऊपर, एडॉप्शन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, और जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सही है, जेन्युइन है, फंडामेंटली आई मीन इजी टू यूज़ है, तो डेफिनेटली बहुत सारे यूजर्स आ सकते हैं। तो अगेन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिस्की तो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिस्की नहीं है, बट ये बहुत आगे जा सकता है। मतलब इसका पोटेंशियल मैं मानता हूँ डिसेंटरलैंड की तरह है। डिसेंटरलैंड का मार्केट कैप 121 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज़ वेरी वेरी टाइनी, अभी बहुत स्टार्ट है, अंडर द रेडार है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे भी नहीं है। अगर आपको इसको बाई करना है तो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू सबसे इजी होगा, यूनिसॉप पे आप बाई कर सकते हो, और यूनिसॉप पे बहुत ज़्यादा गैस आजकल लग रहा है। तो एक सोल्यूशन है उसका, है धर्मा, धर्मा वॉलेट आप डाउनलोड करो, धर्मा पे आपको ETH के पैर में मिल जाएगा, जहाँ पे जीरो गैस है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया इथवर्स के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करें और इनका टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आप क्वेश्चंस करें कि किस तरह का ये गेम बिल्ड कर रहे हैं, किस तरह का इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, 6 मिलियन का मार्केट कैप है, अभी भी बहुत छोटा मार्केट कैप है। प्राइवेट ग्रुप के जो मेरे मेंबर्स हैं उन्होंने 50 सेंट्स, 40, 42 सेंट, 45 सेंट्स, 35 सेंट्स इस तरह से बाइंग करी है। तो अगेन मैं कोई भी बाइंग यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, अगेन आपका खुद माइंड अप्लाई करना है कि किस लेवल पे बाई करना और किस लेवल पे सेल करना है। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।